हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का। सो गाइस, यहां पे मैं आप लोगों के लिए एक और कमाल का न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसके अंदर हम लोग बनाने वाले हैं प्लेयर के स्टेट्स का ओवरले। सो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, अगर मैं इसकी फाइल डालूंगा तो उसकी फाइल में पासवर्ड प्रोटेक्ट रहेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों ने पिक्सेल ऐप के अंदर आ जाना है, और थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद इमेज की साइज को कस्टम पे क्लिक करने के बाद यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस, हम लोगों ने गैलरी में चले जाना है, और गैलरी में जाने के बाद रियल मैच का जो होता है स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसको यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद गाइस, हम लोगों ने प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है और शेप को सिलेक्ट कर लेना है। शेप लेने के बाद गाइस, हम लोगों ने इसकी साइज को कुछ इतना रख देना है, और रेडियस हम लोगों ने 65 कर देना है। देन इसके बाद इसका कलर जो है हम लोगों ने ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पे लेयर के ऊपर जाने के बाद इसको लॉक कर देना है, और एक और शेप हम लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। तो एक और शेप लेने के बाद इसकी साइज को पिछले वाले से थोड़ा सा बड़ा रखना है, जो कि हम लोग आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंदर। और इसका रेडियस भी हम लोगों ने 81% कर देना है। तो ये हमारा शेप कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोगों ने कलर पे चले जाना है, और इसका जो कलर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वही कलर आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं दोनों शेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद एडिट पर चले जाना है, और इसका जो साइज है हम लोगों ने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। और गाइस, इसका कलर वही रख देना जो मैंने रख दिया है, और शेडो में चले जाना है, और इसका ब्लर रेडिएशन हम लोगों ने 6 रख देना है। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो हम लोगों ने स्टिकर पर चले जाना है इसके बाद, और जो हमारा वाओ वाला स्टिकर है ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, और इसको थोड़ा सा हम लोगों ने बीच में से क्रॉप कर लेना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और क्रॉप करने के बाद हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लगा देना है, और उसका कलर हम लोगों ने ब्लैक रख देना है, और ओपेसिटी इसकी कम करके हम लोगों 10-15 जो भी आप लोगों को रखनी है उतने रख सकते हो। मैंने फिलहाल यहाँ पर 10 के लगभग रख दी है। इसको एक और कॉपी कर लेना है, नीचे की साइड लगा देना है, और इसकी थर्ड कॉपी हम लोगों ने करना है, और उसको छोटा करके ऊपर वाला जो हमारे शेप था उसके ऊपर लगा देना है। तो आप लोग देख सकते हैं एकदम रियल मैच की तरह लगने लगा है। अब आप लोगों ने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है, और जो भी आपका बैट्समैन है बॉलर है उसका नाम लिख लेना है, और उसको यहाँ पर लगा देना है, और इसका कलर हम लोगों ने डार्क ब्लू रख देना है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। सो ये करने के बाद गाइस, आप लोगों ने यहाँ पर इस टेक्स्ट की एक और कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो कॉपी करने के बाद गाइस, यहाँ पर आप लोग T20 वर्ल्ड कप 2022 लिख सकते हो। और इसका बैकग्राउंड में सिलेक्ट कर लेता हूँ, और बैकग्राउंड का कलर आप लोगों ने वही दे देना है जो मैंने दिया है। और एक और टेक्स्ट लेना है, और वहाँ पे लिख देना है T20 करियर। आप लोग चाहो तो इसको बीच में भी रख सकते हो, और पीछे आप टीम का फ्लैग लगा सकते हो। और इसके बाद गाइस, हम लोगों ने एक और शेप सिलेक्ट कर लेना है, और इस शेप का हम लोगों ने एक लाइन की तरह बना लेना है, उसका कलर भी डार्क ब्लू रख देना है गाइस। इसकी 4-5 कॉपी आप लोगों को जितना भी डालना हो आप लोग डाल सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर 4 कॉपी इसके कर लेता हूँ, और इसको इस तरीके से मैंने लगा दिया है। तो अब यहाँ पर हम लोग एक और टेक्स्ट ले लेते हैं गाइस, और जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इसे आप लोगों ने लिख देना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है, और यहाँ पर मैंने छोटा करके उसको लगा दिया है। सो इसका एक और कॉपी कर लेना है, और वहाँ पर हम लोगों ने प्लेयर के स्टेट्स लिख देने हैं, जैसे कि कितने मैच खेले हैं, कितने रन बनाए हैं, कितना स्ट्राइक रेट कितना है, 50 कितना है, सारी चीज़ें। सो गाइस, ये हमारा रेडी हो चुका है। अब आप लोगों ने इसका जो बैकग्राउंड है इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है, और इसको सेव कर ले। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि ये किस तरीके का दिखने वाला है हमारे गेम प्ले के अंदर। सो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है गाइस, और हूबहू हम लोगों ने जो रियल मैच का बनता है वैसा ही बना दिया है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और गाइस, इस स्कोर बोर्ड का भी ओवरले आप लोगों को चाहिए तो कॉमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।